दोस्तों, मेरे पास 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट टैब के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक नहीं हो रहा है, ना ही अब हमारे गवर्नमेंट टैब के अंदर गूगल, यूट्यूब कुछ भी नहीं चल रहा है। तो अब दोस्तों, सभी के टैब के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके टैब के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसके बाद आपका प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक तो नहीं होगा। रुको, जरा सब्र करो। लेकिन मैं आपको एक और न्यू ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने गवर्नमेंट टैब में गूगल और यूट्यूब को चला पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक वर्क करके आप अपने गवर्नमेंट टैब के अंदर गूगल और यूट्यूब को चला सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके टैब के अंदर ये ट्रिक वर्क कर जाती है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में थैंक्स भी लिख देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अपने गवर्नमेंट टैब में यूट्यूब चलाने के लिए बिना प्राइवेसी पॉलिसी के आपको सिंपली से आई के बटन पर क्लिक कर देना है और फिर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ ये ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए आपके गवर्नमेंट टैब में डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन होना चाहिए, जो कि न्यू ऐड हुआ है। ये आपके टैब में होना चाहिए, तभी आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली से डिवाइस मेंटेनेंस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको मेमोरी का ऑप्शन मिल जाएगा, मेमोरी पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ चेकिंग वगैरह होगी, इसको होने देना। फिर यहाँ पर आपको एक्सक्लूडेड ऐप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कनोक्स मैनेज मिल जाएगा, उसको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मैंने कनोक्स मैनेज को पहले ही ऐड किया हुआ है, तो मैं इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से परमिशन पर क्लिक कर देना है। परमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और फिर आपको फ़ोन वाली परमिशन मिल जाएगी, इस पर क्लिक करना। सी ऑल अप विद परमिशन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है साइड में और शो सिस्टम पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सिंपली से वन यू आई होम पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सी ऑल अप वन यू आई परमिशन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन कैटेगरीज पर क्लिक करना है और फिर आपको वन यू आई होम पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा वन यू आई होम सेटिंग्स, तो इस पर दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी सेटिंग ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर यूट्यूब को चलाने के लिए आपको सिंपली से यहाँ पर सर्च कर लेना है लीगल। तो दोस्तों आप देख लेना, आपको ये सर्च कर लेना है लीगल इन्फॉर्मेशन। लीगल इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको लीगल इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये आप देख लेना, शुरू में ओपन सोर्स लाइसेंस है, फिर गूगल लीगल है, फिर गूगल प्ले सिस्टम है, फिर सिस्टम वेब व्यू लाइसेंस है, फिर सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है और ये दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी जो आपको दिख रहा है। इस प्राइवेसी पॉलिसी पर आपको क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पॉलिसी पर आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ लोडिंग लेने लग जाएगा, फिर आपके सामने ऐसा हिंदी में कुछ पेज ओपन हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर आपको आप देख लेना, यहाँ से दोस्तों आप ध्यान से देख लेना कौन से लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो आपको नीचे से स्क्रॉल करते जाना है और नीचे से स्क्रॉल करते जाना है आपको, और फिर दोस्तों आपके सामने ये वाला लिंक आ जाएगा। आप देख लेना कुछ इस प्रकार का लिंक दोस्तों आपके सामने आ जाएगा, ये वाला। तो इस लिंक पर दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, शुरू में आपके सामने ऐसा आएगा, लेकिन फिर आपके सामने ये प्राइवेसी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आपको आगे तो पता ही होगा कि आपको 9 डॉट पर क्लिक करना है और सिंपली से मैं एक बार बैक कर लेता हूँ। फिर आपको 9 डॉट पर क्लिक कर देना है और गूगल पर क्लिक कर देना है। गूगल पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से मैं आपको एक बार यूट्यूब चला के दिखा देता हूँ। proxyproxy.com ये लिख कर मैंने सर्च किया। अब मैं proxyproxy पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं सिंपली से यहाँ पर यूट्यूब आपको दिख रहा होगा, यूट्यूब पर क्लिक कर देना आपको। अब यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्राइवेसी इज लॉन्चिंग का ऑप्शन आ जाएगा और आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से आपके टैब के अंदर यहाँ पर यूट्यूब भी चल गया है। आप देख लीजिए दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर आपका यूट्यूब भी वर्क करने लग गया है इसके अंदर। तो ऐसे दोस्तों आप अपने गवर्नमेंट टैब में बिना प्राइवेसी पॉलिसी का यूज किए यूट्यूब को चला सकते हैं और बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर ये वर्क भी करता है। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपका सच में ही यूट्यूब चल जाता है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में थैंक्स लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।